हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मतलब ऊपर में भी दो डिजिट रहेगा और नीचे में भी दो डिजिट, उसको हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेंगे 21 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 से। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 4 होता है, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 4। अब हम लोग 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को 1 से किए, अब लेफ्ट साइड आना है, 4 को 2 से करेंगे। तो 4 2 8 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8। अब हम लोग इसके नीचे 4 के नीचे एक क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग 4 के बगल वाले नंबर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 3 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3। अब हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो 4 है यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस है, मतलब कुछ नहीं है, तो 4 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 8 है और यहाँ 3 है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 और 3 कितना होगा, 11। तो 11 का हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 और 1 कैरी हुआ, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो हो गया 7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6। अब हम लोग 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 9। अब 6 के नीचे हम लोग एक क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग 3 को तो मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम लोग 1 से करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 कितना होगा, 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। अब हम लोग 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा, 3, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 6 है, यहाँ क्रॉस है मतलब कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ 6 लिख देंगे नीचे। यहाँ देखेंगे 9 है और यहाँ 2 है, तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, 9 और 2 कितना होगा, 11, तो 11 का लिखेंगे हम लोग यहाँ 1 और 1 कैरी हुआ, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। तो उसी तरह बनाएंगे, पहले राइट साइड देखेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 8 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8। अब हम लोग 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। अब नीचे आएंगे, 8 के नीचे हम लोग एक क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद 4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। अब हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ 8 है, यहाँ क्रॉस है मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 8। अब यहाँ देखेंगे 2 है, 2 में 4 ऐड करना है, तो कितना होगा, 6 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। अब यहाँ 1 है और 6 है, तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 7। ये हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड वाला नंबर देखते हैं, 2, 2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 8 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8। अब हम लोग 2 को लेफ्ट साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, अब 8 के नीचे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन देंगे, यानी क्रॉस का साइन इसको बोलते हैं। अब हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड वाले नंबर से, 4 से, तो 1 4 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। अब हम लोग 4 के बगल में देखेंगे 6 है, तो 1 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 6 6 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 में कुछ नहीं ऐड करेंगे, तो 8 ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब 2 में 4 ऐड करना है, तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिक्स, और वन में सिक्स ऐड करना है, तो वन में सिक्स ऐड करेंगे तो सेवन होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सेवन। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। तो सबसे पहले हम लोग 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 18 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिंगल डिजिट लिखना है हम लोगों को, 18 पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, 18 का जो राइट साइड वाला डिजिट है 8 यहाँ लिखेंगे, और 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ याद रखने के लिए हम लोग 1 लिख देते हैं। तो 3 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लिए, अब हम लोग 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 9 होता है। अब 9 में हम लोग 1 को ऐड करेंगे जो हम लोग कैरी लिए थे, तो 9 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10। अब यहाँ 8 के नीचे हम लोग क्रॉस का साइन देंगे। अब हम लोग 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 6 12 होता है, तो यहाँ पर भी देखेंगे 2 डिजिट है, हम लोग सिंगल डिजिट लिखेंगे जो राइट साइड में, यानी कि 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 और 1 कैरी गया। अब हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 6 हुआ, और 1 कैरी था, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 7। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ 8 है, यहाँ क्रॉस है, मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8। यहाँ देखेंगे 0 है, 0 को कोई वैल्यू नहीं, यहाँ 2 है, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। यहाँ 1 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। तो पहले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 35 हुआ, तो 35 हम लोग लिख नहीं सकते, हम लोग को सिंगल डिजिट लिखना है, तो राइट साइड में जो डिजिट है 5 उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, और 3 कैरी हो जाएगा, तो इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग 3 याद रखने के लिए। अब हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10 हुआ, 10 में हम लोग 3 कैरी आया था, तो 3 को ऐड करेंगे तो 10 और 3 13 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 13। अब 5 के नीचे हम लोग क्रॉस का साइन देंगे। अब उसके बाद हम लोग 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 7 कितना होगा 7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7। अब हम लोग 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 5 में कुछ नहीं ऐड करना, तो 5 लिख देंगे यहाँ। यहाँ 3 में 7 ऐड करना है, तो 3 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 10, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे, और 1 कैरी हो गया। अब यहाँ देखेंगे 1 में 2 ऐड करना है, तो कितना होगा 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, और 1 कैरी लिए थे, तो 3 में 1 और ऐड करेंगे तो कितना होगा 4, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 4। ये हो गया आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 24, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 0 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो 0 × 4 करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 0। अब हम लोग 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0। अब इसके नीचे हम लोग एक क्रॉस का साइन बनाते हैं। उसके बाद हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 8 होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8। अब हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ 0 यहाँ क्रॉस का साइन है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 होगा यहाँ पर। यहाँ देखेंगे 0 और यहाँ 8 है, तो 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 8। और यहाँ देखेंगे 4 है, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, 480 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 32, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 18 हुआ, तो 18 डबल डिजिट है, तो पहले हम लोग डबल डिजिट नहीं ले सकते, हम लोग राइट साइड वाला डिजिट लिखेंगे 8, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 8, और 1 कैरी हो गया, तो यहाँ याद रखने के लिए हम लोग 1 लिख देते हैं। अब हम लोग 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 27 होता है, तो 27 में हम लोग 1 ऐड करेंगे जो कैरी लिए थे, तो कितना हो जाएगा 28, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग
28। अब इसको हम लोग मिटा देंगे। अब इसके नीचे हम लोग क्रॉस का साइन देंगे। अब हम लोग 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 कितना होगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो 8 में यहाँ कुछ नहीं है, क्रॉस का साइन है मतलब कुछ नहीं है, तो 8 लिख देंगे हम लोग यहाँ। अब 8 में 2 ऐड करना, तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0, 1 हो गया कैरी। अब यहाँ 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, और 1 कैरी हुआ था तो उसको भी ऐड करेंगे, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। तो ये हो गया आंसर 608। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 46 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2 6 12 होता है, तो हम लोग यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखेंगे, 12 डबल डिजिट है, तो राइट साइड वाला डिजिट 2 यहाँ लिखेंगे हम लोग, और ये जो बचा 1 ये कैरी हो गया, तो यहाँ पर हम लोग याद रखने के लिए लिख दिए। अब हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 8 हुआ। अब 8 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 9। अब हम लोग 2 के नीचे क्रॉस का साइन देंगे। अब हम लोग 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 6 कितना होगा 6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। अब हम लोग 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 इंटू 4 4 ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2, और यहाँ 9 है और 6 ऐड करना है इसमें, तो 9 और 6 कितना होगा 15, तो 15 का यहाँ लिखेंगे हम लोग 5, 1 हो गया कैरी। 4 में 1 जो कैरी हुआ उसको ऐड करेंगे, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5, 552 आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें ऊपर में 3 डिजिट रहेगा, तो लेते हैं 324, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 8 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब हम लोग 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 6। अब इसके नीचे हम लोग एक क्रॉस बनाते हैं। अब उसके बाद हम लोग 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 1 इंटू 4 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 2, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2। अब हम लोग 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा 1 इंटू 3 3 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ 8 है यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 8। यहाँ 4 है यहाँ 4 है, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। यहाँ देखेंगे 6 है, 6 में 2 ऐड करना है, तो कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 8। यहाँ देखेंगे 3 है, ऊपर कुछ नहीं मतलब 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 3888, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ऊपर में 4 डिजिट रहेगा, 2 4 3 1, और नीचे 2 डिजिट, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको। तो हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले 5 को 1 से करेंगे, उसी तरह फिर 5 को 3 से करेंगे, फिर 5 को 4 से करेंगे, इसी तरह करना है। तो सबसे पहले 5 को 1 से करते हैं, 5 1 5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5। अब 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15 होता है, तो यहाँ पर हम लोग डबल डिजिट नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग राइट साइड वाला डिजिट लिखेंगे 5, और 1 जो है वो कैरी हो गया, तो यहाँ दे देंगे हम लोग याद रखने के लिए लिख दिए। अब हम लोग 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 20 हुआ, और 1 कैरी था, तो कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 डिजिट नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, 21 का राइट साइड वाला डिजिट 1 यहाँ लिखेंगे हम लोग, और जो 2 है वो हम लोग कैरी दे देंगे इसको। अब हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 10, और 10 में 2 ऐड करेंगे जो कैरी था, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 12। अब हम लोग 5 के नीचे एक क्रॉस का साइन बनाएंगे। अब हम लोग 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 3, तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग 3। अब हम लोग 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 9। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12,
तो दो डिजिट है 12, तो हम लोग दो डिजिट नहीं लिख सकते। राइट साइड वाला जो है 2 वो हम लोग यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी दे देंगे। तो अब हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू 6 और 1 कैरी था, तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ऐड करने पे 5 ही होगा। 5 में 3 ऐड करना तो कितना होगा 8, यहाँ लिखेंगे 8। 1 में 9 ऐड करेंगे तो 10 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0 और 1 कैरी हो गया। तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा और 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5। 1 में 7 ऐड करना है तो कितना होगा 8, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 8। ये आ गया आंसर। तो बच्चों ये था मल्टीप्लिकेशन का सेकंड वीडियो। अगर फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी तो लाइक करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए MW Academy Junior को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।